आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे DGHS दिल्ली रिक्रूटमेंट के बारे में, कैसे आपको इसे अप्लाई करना है, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। जानकारी के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gayatrijobs.com पे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने DGHS दिल्ली रिक्रूटमेंट इंट्रोड्यूस किया। इसमें टोटल 600 वैकेंसीज है फार्मासिस्ट और क्लिनिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2018 है। आइए देखते हैं इसमें टोटल वैकेंसीज कहाँ हैं। फार्मासिस्ट में 200 पोस्ट हैं, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट में 200 पोस्ट हैं और मल्टीटास्क वर्कर में भी 200 पोस्ट हैं। आइए देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास डिप्लोमा इन फार्मेसी और ग्रेजुएशन ऑफ फार्मेसी होना चाहिए फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए, और क्लिनिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 10th क्लास पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मल्टीटास्क वर्कर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास 10th क्लास पास सर्टिफिकेट एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी यानी ANM कोर्स में होना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें एज लिमिट क्या है। मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 20 to 50 years, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए भी 20 to 50 years की एज लिमिट है, और मल्टीटास्क वर्कर के लिए 18 to 35 years की एज लिमिट है इसमें। आइए देखते हैं इसमें आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.delhi.government.in पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने से पहले आप एक बार इस लिंक पर जाकर इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट के लास्ट में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, आप यहाँ से भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।